वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो हरा भरा कबाब है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे आप टी टाइम स्नैक्स या ब्रेकफास्ट में यूज़ करिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि हमें इसे कैसे बनाना है। मैंने यहाँ पर एक पैन रखा हुआ है, पैन में हम 2 कप वाटर डालेंगे और यहाँ पे मैंने पालक चॉप्ड करके रख लिया है, हम पालक को डाल देंगे और लगभग 2 मिनट के लिए हम इसे बॉईल होने देंगे। टू मिनट्स के लिए पालक देखिए बॉईल हो चुका है, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है हम निकाल लेंगे। गैस पे यहाँ पे मैंने दूसरा पैन रखा है, पैन में हम 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, वेजिटेबल ऑयल। अब इसमें हम लहसुन डालेंगे, चॉप्ड करके सारे वेजिटेबल रख लिए हैं। अब इनमें से हम एक एक करके सारे वेजिटेबल्स डालेंगे, ग्रीन चिली, बीन्स, कैप्सिकम, जिंजर और इन सारी सब्जियों को हम लगभग 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम होना चाहिए। आफ्टर 2 या 3 मिनट के बाद देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुकी हैं सब्जियां। अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे एक हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें हमने जो पालक बॉईल करके रखा हुआ था हम पालक डाल देंगे और इसे हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे और इसके बाद हम सारी सब्जियों को मिला के ग्राइंड कर लेंगे। सारे वेजिटेबल को हमने ग्राइंड कर लिया है और इसे एक बाउल में हमने निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के पोटैटो थे, उन्हें बॉईल करके इस तरह से मैश कर लिया है। अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे। हम ग्रेटेड किए हुए पनीर हैं, पनीर हम डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया, वो डाल देंगे। टू टेबलस्पून ब्रेड क्रम है, वो डाल देंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, रेड चिली, ब्लैक पेपर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हम सम चॉप्ड किए हुए कोरिएंडर लीव डाल देंगे। हमारा बैटर रेडी हो चुका है, अब हम इस तरह से एक बाइट लेंगे और उसे एक राउंड शेप देंगे और ऐसे हम उसे प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम लिया हुआ है, इसे हम डस्टिंग कर देंगे। और काजू है, ऊपर से हम काजू की टॉपिंग कर देंगे।
फ्रेंड्स देखिए हमारे कबाब रेडी हैं। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे या तो सैलो फ्राई करेंगे, आपको जो भी पसंद हो आप दोनों में से कर सकते हैं, या तो डीप फ्राई करिए या तो सैलो फ्राई। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं सैलो फ्राई कर रही हूँ, इसलिए मैं उतना ही ऑयल लूँगी जितना सैलो फ्राई के लिए मुझे ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने लगभग 4 टेबल स्पून लिया है ऑयल और हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। अब एक एक करके हम अपने सारे कबाब डालेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम सेकेंगे। अब हम इसे नेक्स्ट साइड में भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारे कबाब देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारा रेडी हो चुका है कबाब, हरा भरा कबाब। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।